इस प्रेजेंटेशन में हम एक और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड लेके आए हैं जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। अभी तक हमने जो मेथड्स देखे विजुअल इंस्पेक्शन वो किसके लिए था, सरफेस टेस्टिंग के, सरफेस में कोई डिफेक्ट है कि नहीं। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट वो भी किसके लिए था, सरफेस डिसकंटिन्यूटीज के लिए था। मैग्नेटिक क्या था, सरफेस और सरफेस से थोड़ा सा अंदर के लिए था। अब मान लीजिए कोई डिफेक्ट है जो कि सरफेस के काफी अंदर है, वो अपने को टेस्ट करना है तो अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन उसके लिए सबसे अच्छा है। मीन्स अगर कोई डिफेक्ट अपने को टेस्ट करना है जो कि सरफेस के काफी अंदर है, उसके लिए कौन सा मेथड, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एनर्जी अपन लोग इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव क्या करते हैं, मटेरियल में अपन लोग फ्लो करवाते हैं और मटेरियल में जहां पे भी जो सरफेस के डिफेक्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, वहां से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापिस आती हैं, तो उससे अपन लोग क्या करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, साउंड एनर्जी है, उसको अपन लोग एक विजुअलाइजेशन सिस्टम या कंप्यूटर डिस्प्ले में अपन लोग डिस्प्ले करते हैं अगेंस्ट द टाइम, और जो ऑब्जर्वर रहता है उसको एनालिसिस करके अपने को बताता है कि डिफेक्ट कहाँ पे है और डिफेक्ट का कैसा अपने को डेप्थ है, कितने डिफेक्ट की साइज है, ये सब अपने को ऑब्जर्वर अपने को उस रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी को एनालाइज करके बता सकता है। तो इसमें करते क्या है, ये होता कैसे है, अब समझने वाली बात है कि ये होता कैसे है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात इस वाले फिगर में आप आ जाइए, इसमें आपको दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड वाला जो है वो आपको साउंड वेव्स सरफेस के अंदर जा रही है, लेफ्ट साइड वाला जो है वो जो साउंड वेव्स का रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो आपको शो कर रहा है, डिस्प्ले है। अब जो सरफेस है उसमें अपन ने क्या किया, साउंड वेव्स फ्लो करवाए, साउंड वेव्स अंदर उसमें फ्लो करवाए। साउंड वेव्स क्या है, एयर में साउंड वेव्स फ्लो नहीं कर पाते, ध्यान दीजिएगा। साउंड वेव्स को फ्लो करने के लिए एक मीडियम चाहिए, मतलब साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एयर में वो फ्लो प्रोपोगेट नहीं करते। अब साउंड वेव्स को हमने मीडियम में अपने सरफेस में प्रोपोगेट कराया, तो जहां पे भी कोई डिफेक्ट होगा, जैसे कि कोई क्रैक, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन सरफेस के अंदर, जहां पे भी ये सब होगा, मतलब वो क्या है, एयर है, वहां पे कोई मटेरियल तो है नहीं, मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है जिससे साउंड वेव्स क्या हो, प्रोपोगेट कर सके। तो जहां पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा, थ्रू आउट मटेरियल होगा, वहां से साउंड वेव्स जाएगी उसके अदर एंड से, दूसरे वाले एंड से टकरा के वापस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब साउंड वेव्स मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, उसके रास्ते में कोई आया कोई डिफेक्ट, जैसे कि कोई क्रैक आया या कुछ भी आया, तो साउंड वेव ने डिटेक्ट किया कि क्रैक आया, अब वो क्या होगा, एयर होगी वहां पे अंदर भरी होगी, साउंड वेव उससे क्या होगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, क्रैक से टकरा के वापिस आ जाएगा, मतलब वो दूसरे एंड तक गया नहीं, कहा के मटेरियल के दूसरे एंड तक नहीं गया, बीच से ही डिफ्लेक्ट होके वापिस आ गया, कहां पे, जहां उससे जहां से वो ट्रांसमिट हो रहा था। अब ध्यान दीजिए, जो वेव नीचे तक जा रही थी, दूसरे एंड तक, वहां से टकरा के वापिस आ रही थी, उसमें ज्यादा समय लगेगा, और जो वेव्स बीच से ही टकरा के वापिस आ गई वो क्या होंगी, जल्दी वापिस आ जाएंगी रिफ्लेक्ट होके। तो इसी तरीके से कितना टाइम लगा, रिफ्लेक्टेड वेव्स कितनी जल्दी अपने को वापिस आ रही है, इसी के बेसिस में जो डिस्प्ले होता है अपने को शो करता है, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उसको अपन लोग टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, और इसी से अपना एनालिसिस कर पाते हैं कि कहाँ पे अपना वो है, कहाँ पे डिफेक्ट है, डिस्टेंस अपन लोग डिफेक्ट की निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को टाइम पता है, साउंड की स्पीड पता है, और स्पीड पता है और टाइम पता है कितनी देर से वो लौट के आ गए, तो अपन लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि सरफेस के कितने अंदर और किस पोर्शन में, किस एरिया में अपने को डिफेक्ट है, वहां से अपने को डिफेक्ट की जानकारी मिल जाती है। और अगर डिफेक्ट कुछ नहीं होगा तो यूनिफॉर्म वेव्स जाएंगी और यूनिफॉर्म वेव्स वापिस आ जाएंगी, तो डिफेक्ट है कि नहीं है, इस तरह से अपन लोग साउंड वेव्स में पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम तरीका है, कैसा, अगर मान लीजिए समुद्र के अंदर अपन लोग को कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, मान लीजिए मछली ही डिटेक्ट करनी है कि मछली समुद्र के अंदर कितनी है, तो अपन लोग सोनार टेस्टिंग जो होती है वो बिल्कुल वैसी ही है ये प्रोसेस। समुद्र के अंदर अपन ने सोनार रेडिएशंस भेजी, वेव्स भेजी, वो जहां पे भी मछली होगी वहां से टकराएगी और वापिस आ जाएगी, मीन्स अपने को स्पीड पता है और कितनी देर जाने आने में लगा, डिस्टेंस अपन ने निकाल ली,
टाइम निकाल लिया अपने, कितनी देर में वापस आई, तो अपने को स्पीड पता है, तो अपन लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितनी दूरी पे है वो, जहां से अपन लोग साउंड वेव्स भेज रहे हैं उससे कितनी दूरी पे है वो ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल सोनार टेस्टिंग की तरीके ही है जैसे अपन लोग सोनार टेस्टिंग करते हैं। आगे इसके और एलिमेंट्स अपन लोग समझते हैं क्या क्या होते हैं। अब जानने वाली बात यह है, तो साउंड एनर्जी को अपन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया मटेरियल में। मटेरियल में जैसे ही इंट्रोड्यूस किया वो क्या करेगा, जहां पे भी डिफेक्ट होगा वहां से डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। अब साउंड वेव्स अपने को पता है कि मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं, किसी उसमें प्रोपोगेट नहीं करती, किसमें, एयर में प्रोपोगेट नहीं करती हैं। तो जहां तक वो डिफेक्ट नहीं है वहां से तो क्या करेगी, दूसरी सरफेस से जाके टकरा के आ जाएगी, मतलब मटेरियल की दूसरी सरफेस से गई, टकरा के वापस आ गई। अब जहां पे डिफेक्ट होगा वहां पे क्या होगा, एयर होगी, एयर में क्या ट्रेवल नहीं करेगी, वहां से वो वापस टकरा के आ जाएगी, और उस तरह से अपने को वो एनालिसिस कर सकते हैं, वो स्क्रीन में प्रोजेक्ट हो जाएगा अगेंस्ट द टाइम, टाइम के बीच में ग्राफ बन जाएगा, उससे अपन लोग एनालिसिस कर सकते हैं कितने अंदर है डिफेक्ट अपना और किस लोकेशन पे है। इसमें करते क्या है, एक प्रोब का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो कि क्या करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशन से साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। अब अल्ट्रासाउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपन ने दिया, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब वो साउंड वेव्स क्या हो रही हैं, साउंड वेव्स जा रही हैं कहां पे, मटेरियल में, और रिफ्लेक्ट होके वापस कहां पे आ रही हैं, प्रोब में आ रही हैं। अब प्रोब क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं उसको वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और उसको एक डिस्प्ले में, कैसे डिस्प्ले में, सीआरटी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के डिस्प्ले में उसको प्रोजेक्ट किया, जिससे फर्दर एनालिसिस किया गया और इफेक्ट जो है एग्जामिन किया गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, मशीन को प्रॉपरली कैलिब्रेशन होना चाहिए, अगर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड मशीन नहीं होगी तो अपन लोग को कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि तो मशीन में अपने को पता नहीं है ना, अगर कैलिब्रेट कर दिया तो अपने को पता है कि इस डिस्टेंस से लौट के आई तो इतने में होगा, यहां से लौट के आई तो इतने में होगा, कैलिब्रेशन नहीं है तो ये एनालिसिस पूरा फेल हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें जो ऑपरेटर चाहिए वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर नहीं होगा तो टेस्ट को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो कैलिब्रेशन करना है, जो कैलकुलेशन करना है, जो लौट के आ रही उससे फिर लौट के आई जो, वो तुरंत तो नहीं बताती कहाँ पे है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो ऑपरेटर चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और वो इतना एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि वो वेव्स को देख के भी समझ जाए कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। अब साउंड वेव है वो डिसकंटिन्यूटी है ये तो बताएगी, लेकिन किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, स्लैग है, पोरोसिटी है, क्रैक्स है, क्या है, ये तो वो नहीं बताएगी, उसको तो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे ये बता दी, किस टाइप की है ये कौन पता करेगा, एग्जामिनर जो ऑपरेटर रहेगा वो अपने अनुभव से ये चीज पता करेगा कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है अपने ऑब्जेक्ट में। अब साउंड वेव में जो प्रोब हमने लगाया सरफेस में, सरफेस और प्रोब के बीच में भी कोई गैप होगा, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोब से साउंड वेव्स निकल के सरफेस के अंदर जा रही हैं उसके बीच में भी कोई गैप होगा। अब मैंने बोला कि एयर में पास नहीं होती, तो आप बोलोगे गैप है तो एयर है, एयर में तो साउंड वेव्स जाएगी तो अंदर जाए ही नहीं करेगी, वहीं से वापस आ जाएगी। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड या जेल दोनों के बीच में अप्लाई करते हैं सरफेस और उसके बीच में। कभी अल्ट्रासाउंड किया है आपने, उसमें देखा होगा कि एक लिक्विड लगाते हैं सरफेस के ऊपर, जहां पर अल्ट्रासाउंड करना होता है उस सरफेस के ऊपर अपन लोग प्रोब लगते हैं, वहां से जाती है। तो इस लिक्विड और जेल को क्या बोलते हैं, कपलेंट लगाते हैं, कपलेंट बोलते हैं, जो कि फेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर और सरफेस के बीच में लगाया जाता है टू अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। तो एक जेल और लिक्विड की आवश्यकता पड़ती है जो कि साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कराता है ट्रांसड्यूसर से और सरफेस के बीच में। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी अपन लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में कितनी रहती है, 1 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी रहती है, जो कि बहुत ज्यादा है, जिसे अपन लोग नहीं सुन सकते। मैंने आपको बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही अपन सुन सकते हैं, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी हो रही बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है जो कि अपन लोग नहीं सुन सकते। लोअर फ्रीक्वेंसी होती है जो, उसमें पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा रहती है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स अपन लोग प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है सरफेस को,
ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अंदर तक सरफेस को पेनेट्रेट कर सकती है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी क्या रहती है, कम रहती है। सेंसिटिविटी मतलब स्मॉल से स्मॉल जो डिफेक्ट है, स्मॉल से स्मॉल इंडिकेशन है, बहुत स्मॉल इंडिकेशन होगा तो वो नहीं कर पाएगी। सेंसिटिविटी मतलब जो छोटे से छोटा इंडिकेशन अपने को प्रोवाइड कर दे डिफेक्ट का, उसको बोलेंगे सेंसिटिव। और कोई कम सेंसिटिव है मतलब वो बहुत छोटे से छोटा इंडिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बहुत अंदर तक तो जा सकती है मटेरियल के, लेकिन सेंसिटिविटी उनकी कम रहती है, मतलब स्मॉल इंडिकेशंस, वो बहुत स्मॉल इंडिकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पाती। लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसीज रहती हैं उनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब वो बहुत अंदर तक मटेरियल के नहीं जा सकती, लेकिन वो उनकी सेंसिटिविटी जो रहती है बहुत ज्यादा रहती है। किसकी? हायर फ्रीक्वेंसीज की। वो बहुत छोटे से छोटा, स्मॉलर से स्मॉलर डिफेक्ट इंडिकेट कर सकती है। तो इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस क्या है कि सरफेस और सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज ये बहुत अच्छे तरीके से सेंसिटिव कर सकती है। उसके बाद बहुत अच्छे से फ्लॉ डिटेक्ट कर सकती है, मेजरमेंट कर सकती है। फिर एक्यूरेसी जो रहती है इसकी बहुत अच्छी रहती है। पार्ट प्रिपरेशन जो है बहुत कम होता है। उसके बाद थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए भी इसका अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रिजल्ट रहते हैं वो अपने को इंस्टेंटेनियस मिल जाते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन वाले में देखा अपने को इंतजार करना है, ड्वेल टाइम है दोनों का, सूखने का, डालने का, सेटल होने का ड्वेल टाइम है। इसमें जो रिजल्ट है अपने को साउंड वेव्स गई, आई, रोटी, सीआरटी में प्रोजेक्ट हुई, अपने को इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब आते हैं इसके लिमिटेशन पे। लिमिटेशन क्या है इसके? जो सरफेस में अपन लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि साउंड वेव्स उसमें एक्सेसिबल हो। साउंड वेव्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होगी, साउंड वेव्स उसमें जाएंगे ही नहीं, तो वो अपन लोग नहीं कर पाएंगे। तो सरफेस होनी चाहिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सटेंसिव स्किल और ट्रेनिंग चाहिए। किसकी? ऑब्जर्वर की, जो ये परफॉर्म कर रहा है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ताकि वो करेक्टली परफॉर्म कर सके और करेक्टली इंटरप्रेट कर सके जो रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं। एक कपलिंग मीडियम चाहिए। कपलिंग मीडियम हमने बताया, कपलिंग मीडियम मतलब जो प्रोब और सरफेस के बीच में कपलिंग मीडियम चाहिए, वो अपने को चाहिए, उसके बिना आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्कंटिन्यूटी तो है, लेकिन किस शेप की डिस्कंटिन्यूटी है, किस इररेगुलरिटी है, होमोजेनिटी क्या है, ये आप लोग कैसे पता करेंगे? साउंड वेव्स तो गई डिस्कंटिन्यूटी से टकरा के वापिस आ गई, लेकिन क्या है ये एग्जैक्टली, इससे अपने को नहीं पता चल पाता। अब मान लीजिए अगला लिमिटेशन क्या है इसका, कि कोई सरफेस है जिसमें बहुत ही कोर्स ग्रेन मटेरियल से बना हुआ है, कोर्स ग्रेन मटेरियल से बना हुआ है। अगर कोर्स ग्रेन मटेरियल से अपन लोग अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, साउंड वेव्स का ट्रांसमिशन में दिक्कत होगी, क्योंकि वो कोर्स ग्रेन्स है, उसको पास करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कंपेयर्ड टू फाइन ग्रेन्स मटेरियल। तो कोर्स ग्रेन मटेरियल को डिटेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला इसका लिमिटेशन, जो डिफेक्ट है वो साउंड वेव्स के पैरलर होना चाहिए। अगर पैरलर नहीं होगा तो उसके वो रास्ते में ही नहीं आएगा, और रास्ते में नहीं आएगा तो वो बिना डिफेक्ट डिटेक्ट करे ही वापस लौट जाएगी। ये इसका एक डिफेक्ट है। इसमें फिर अगला लिमिटेशन क्या है कि प्रॉपर कैलिब्रेशन होना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट्स को अपन लोग इंटरप्रेट कर सकें। तो ये इससे कुछ लिमिटेशंस थे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है। तो इस्तेमाल कहाँ पे होती है, ये लार्ज पार्ट के इंस्पेक्शन में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि रेल्स को अपने को इस्तेमाल करना है, रेल्स के व्हील्स को इस्तेमाल इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो अपन लोग इसमें बड़ी आसानी से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद श्रिंकेज कैविटी है, इंटरनल वर्स्ट है, क्रैक्स है, पोरोसिटी है, नॉन मेटेलिक इंक्लूजन है, फेरस और नॉन फेरस मटेरियल्स, प्लास्टिक, सिरामिक्स, सारे मटेरियल्स में ये क्या कर सकती है, डिफेक्ट को इंस्पेक्शन कर सकती है। कौन कौन से डिफेक्ट्स? श्रिंकेज कैविटी है, इंटरनल बर्स्ट है, क्रैक्स है, पोरोसिटी है, कोई भी इंक्लूजन है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक इंक्लूजन, सारे तरह के डिफेक्ट को इंस्पेक्ट कर सकती है। सारे तरीके के मेथड में ये अप्लाई हो सकती है, ये वाली मेथड। उसके बाद रेल का एक्सल यदि अपने को टेस्ट करना है, लोकोमोटिव का, आपको पता होगा ट्रेन जब अपना एक सफर पूरा करती है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। रेल का जो एक्सल अपने को टेस्ट करना है, मान लो कोई आवाज आ रही है, एक्सल टेस्ट करना है, तो उसको अपन लोग तोड़ेंगे तो नहीं,
उसको निकालेंगे भी नहीं, तो उसके लिए क्या है अल्ट्रासाउंड टेस्ट करेंगे, जहां पे अपने को डिफेक्ट मिला वहां पे रिपेयरिंग करके उसको वापस कंटिन्यू कर देंगे। मीन्स डिसमेंटलिंग के बिना ही अपन लोग क्या कर सकते हैं, सारे पार्ट्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि फटीग क्रैक है क्या, व्हील पिंस में कोई बोल्ट और होल के बीच में कोई ब्रेक है क्या, कोई गैप है क्या, रेलवे लोकोमोटिव इंस्पेक्शन एक्सेल में जो है उसमें कोई दिक्कत है क्या, तो ये सारे चीजें को अपन लोग बहुत आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। जो लार्ज कास्टिंग बनती है और जो फोर्जिंग मटेरियल बनते हैं उसकी प्रोडक्ट की साउंडनेस टेस्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि जो कास्टिंग बन के आ रही है हो सकता है उसमें कास्टिंग में डिफेक्ट्स बहुत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, फोर्जिंग में डिफेक्ट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, जो कि इस प्रोसेस के द्वारा बहुत आसानी से इंस्पेक्शन किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि इंस्पेक्शन अपन लोग को करना है जहां पे बेसिकली इस मेथड से कहां इंस्पेक्शन होगा, जहां पे सर्विस में ऑलरेडी पार्ट आ चुका हो, मेन पर्पस वो है। उसके बाद जो कास्टिंग्स आ रही हैं जिससे अपने को फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फोर्जिंग्स आ रही हैं, डाइज आ रही हैं, उसकी टेस्टिंग आप लोग बहुत आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। सारे मटेरियल्स में टेस्टिंग कर सकते हैं, फेरस नॉन फेरस प्लास्टिक सिरामिक्स हर प्रकार की डिफेक्ट्स ये एनालाइज कर सकती है, श्रिंकेज कैविटी इंटरनल बर्स्ट क्रैक्स पोरोसिटी लार्ज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक इंक्लूजन सारे प्रकार के कर सकती है। सो ये रहा आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।